गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जा रही हूँ गांव के मार्केट घूमने, रेडी हो गई हूँ। बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी मार्केट है, काम भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं घूमने जा रही हूँ, देखती हूँ कि वहाँ पे क्या सब मिलता है। बाहर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था इसलिए अंदर आ गई, घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो सोचा चलो मार्केट घूम के आते हैं। कल से बादल छाए हुए हैं, सुबह में हल्की फुल्की बारिश हुई लेकिन अभी भी बादल जैसा लग रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हो सकता है कि शाम को भी बारिश हो, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ तो घूम के आती हूँ। खुला ही रहेगा, बंद करेंगे। अभी मैं गांव की गलियों से होते हुए जा रही हूँ बाजार की ओर। 5 से 10 मिनट का रास्ता है बीच में। इस गांव में मैंने एक चीज़ देखी है कि मिट्टी के रोड और मिट्टी के घर बहुत कम हैं, कहीं कहीं सिर्फ दिख रहा है, नहीं तो सब जगह पक्की सड़कें हैं, गलियों में भी पक्की सड़कें हैं। हाँ, थोड़ी उबर खाबर है, इसमें बारिश में पानी लग सकता है, लेकिन मिट्टी की सड़कें नहीं हैं। छोटी छोटी दुकानें गलियों के अंदर हैं जिससे ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। सब्जी वाले भैया भी बैठते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन रोड, इस साइड में क्या है, इस साइड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दिखाती हूँ। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, इधर हरियाली तो चारों तरफ है, पीपल के, नीम के, और ये क्या है, बरगद के पेड़ है ना। हाँ, बरगद के ही पेड़ है और नए नए पत्ते आए हुए हैं, इसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर स्पाइस एंड राइस करके एक रेस्टोरेंट सा है छोटा सा, इसमें चाइनीज़ फूड मिलता है। इस साइड में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, अभी तो खैर बंद है, शाम के 6 बज गए हैं। पाँच मिनट का रास्ता था बीच में चलने को, फिर हम लोग मेन मार्केट में पहुंच गए। यही है यहाँ का मेन मार्केट। चार
कहाँ पे है? मैं वीडियो शूट कर रही थी, दो अंकल आए पूछने कि आप लोग क्या कर रहे हो, और उन लोगों को गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वीडियो शूट कर रही हूँ, बाहर से आई हूँ, सभी लोगों को दिखाऊंगी कि गांव में भी ऐसा मार्केट होता है। वो लोग बहुत सीरियस हो गए थे कि क्या कर रहे हो आप लोग, इस तरह से वीडियो क्यों शूट कर रहे हो। मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस गाँव में घूमने आई हूँ बाहर से, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि इस गांव का कल्चर कैसा है, मार्केट कैसा है, यही सब बातें हैं और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। फिर बोलते हैं कि अच्छा जाओ, लेकिन उनका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। और अक्षय से भी काफ़ी पूछताछ कर रहे थे कि क्यों वीडियो शूट कर रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आए हो। होता है गाँव में लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। भैया हम लोगों के लिए जूस निकाल रहे थे। रोड के उस साइड में गोलगप्पे वाले भैया भी दो तीन स्टॉल लगा के बैठे हैं, बर्गर भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जूस पी लेते हैं। ले लो अक्षय। बर्तन भंडार है, इसमें चल के देखें क्या कुछ चाहिए। चम्मच वगैरह? हाँ, वो चम्मच बड़ा वाला चमचा। चलिए देखा हो जा। अच्छा क्या नाम है आपका? मंदी। ओके। यस। हाँ, यहाँ पे घूमने आई हो? घर पे तो कल मैंने लिया था ना, तो 80 रुपये दिया था। ये तो वो वाले पुराना है, छोटे वाले। अच्छा 30-40-50 सही है। यहाँ से बर्गर चाउमीन कैसे है? 40 रुपीज़। ये
यही था यहाँ का छोटा सा प्यारा सा मार्केट। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। गन्ने का जूस पी लिया, बहुत मीठा था, खाने के लिए पैक करवा लिया। यहाँ खड़े होकर खाने का मतलब नहीं बनता है। बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती है, थोड़ी सी कॉस्टली है। आ गई हूँ घर वापस। थोड़ा सा टाइम लगा, आते आते हमने सब्जी भी ले लिया। सब्जी में बहुत कुछ नहीं मिल रहा था, खीरा लेके आई हूँ सिर्फ। खाने पीने का सामान हमने पैक करवा लिया, अब जाके चेंज करती हूँ पहले, उसके बाद आराम से बैठ जो भी लेके आए हम लोग खाएंगे। आज का डिनर वही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।